भाई फिर से आपका स्वागत है मेरी इस एक और नई वीडियो में। और आई होप क्या उसको एकदम बढ़िया हो। तो भाई अभी हम जाने लगे थे अपनी बिल्लो नानी को ठीक करवाने, वो पता ही उसकी हालत भाई पूरी खराब हो रखी है। पेंचर है वैसे, लेकिन हम देख रहे हैं वही चेंज करवा लेते टायर। उसी के लिए जाने लगे हुए मार्केट हम, मतलब मेरे पापा भी साथ जाएंगे, तो पापा साथ में गाड़ी में आएंगे पीछे पीछे, ठीक है। मैं साइकिल लेके चलता हूँ और हालत देखो क्या होगी साइकिल की। ये देखो यहाँ से फट रखा पूरा टायर, तो टायर साइकिल निकालते बाहर, इसको लेके चलते हैं, ठीक है, ठीक करवाते हैं अपनी बिल्लो रानी को। लास्ट टाइम हम शायद से धर्मपुर गए थे साइकिल पे, उसके बाद से साइकिल ऐसी पड़ी हुई है घर पे। तो हमने फिर स्पीति वाली की राइड पे गए थे, तो उसके बाद भी हम साइकिल पे कहीं गए नहीं। तो स्पीति वाली जान से पहले ही साइकिल जो है ख़राब हुई थी मेरी, इसकी ब्रेक से ढीली पड़ी है। चलो ब्रेकों का छोड़ो, कोई नहीं, वो पहले तो हम भाई टायर चेंज करवाते हैं इसका, कि टायर की वजह तो भाई साइकिल चलती नहीं ना, और गंदी भी काफ़ी हो गई है, ये वॉश भी करेंगे इसको, ठीक है, घर आके पहले टायर चेंज करवा लेते हैं इसका हम फटाफट। और भाई पिछली बार सर्विस मैंने साइकिल की शिमला जान से पहले करवाई थी। ये देखो ये हमारे सामने हीरो स्प्रिंट, तो लगवाते हैं टायर यहाँ से भाई। होगा टायर इसका, मिल जाएगा और रेलसन के अलावा नहीं कोई टायर, ये टायर मिलेगा। तो भाई ये टायर है रेलसन का, ये डालते हैं इसमें, 27.5 नंबर है मेरी टायर साइकिल का। तो भाई ट्यूब में भी पंचर था ना एक, तो ट्यूब तो वो कहते हैं कि ये फिर से पंचर हो सकता है, अगर पंचर लगा भी देंगे तो फिर ट्यूब भी करवा लेते थे। 250 की ट्यूब डली है और 550 रुपये का टायर। बस 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 टायर और कोई ना, नहीं ये बस इसी कंपनी का टायर होता है इनके पास हेल्सन का, और बस एक स्टैंड लगवाना है मेरा स्टैंड। भाई आपको याद होगा जब शिमला गए थे हम, तो रास्ते में कहीं गिर गया आयलैंड की, उसकी ढीली हो गई थी, तो तब से स्टैंड नहीं लगाया फिर हमने। चले फिर हाँ चलो फिर भाई, अपनी बिल्लो रानी पूरी ठीक हो गई, अब ऑपरेशन इसका हो गया है, और अब करेंगे भाई साइकिल पे राइड, क्या साइकिल ठीक हो गई है तो सेम प्लान करते हैं, अब राइड वगैरह पे चलते हैं, कितना टाइम हो गया गए हुए। और टाइम हो रहा है भाई अभी 8:07। तो भाई अभी हम किचन में देखो काम कर रहे थे, आज खाना बनाने की ड्यूटी जो है मेरी है, तो भाई पापा जो है सो रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना खाना हम ही बना दे आज, और भाई मेरी मम्मी और रीमा भी नहीं है घर पे, तो फिर इसलिए आज खाना जो है मैं बना रहा हूँ। आज हम बना रहे भाई नमकीन चावल, ठीक है। यहाँ मैंने प्याज और टमाटर काट दिए, प्याज काटते काटते भाई इतने आंसू आए ना, मैं बाहर जाके खड़ा हो गया, मैंने कहा हमसे ना हो पाएगा। बस अभी कुछ नहीं करना, ये सारा सामान ठीक है आप, चलो आपको भी सिखा रहे थे एक बार, हम ये सारा सामान निकाल लिया, इसको काट दिया, उसके बाद बस तेल डाल के, तेल डालो और ये सारा सामान इसके अंदर को सेट रख लो, बन गया राइस। कहेंगे भाई आपको खाना बनाना, हमें कमेंट करके बताओ और क्या क्या सीखना चाहते हो, हम GDS कुकिंग क्लास, चलो जो भी नाम सोचो, नाम जाए भाड़ में, हम तो बस खाना बनाएंगे, तो GDS आपको सिखाएंगे आज खाना बनाना। तेल गर्म हो गया होगा, हाँ, तो इसके अंदर हम ये डाल देते हैं भाई, ये है क्या कहते हैं इसे, जीरा। उसके बाद फिर हम डाल देंगे इसके अंदर टमाटर, वैसे धुआं निकलेगा इसमें से। अब हम इसको बस कवर कर देंगे और फिर इसको सीटी बज जाएगी, फिर बस हो गए भाई हमारे राइस तैयार। क्या बात है भाई, देखो देखने में तो अच्छे हैं, अब तो बता टेस्ट कैसा है इसका। खत्म, ठीक है, टाटा, ठेड़ी है, गुड बाय, ठेड़ी मने है। ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई। जी गुड मॉर्निंग भाई, आज सही में हमारी गुड मॉर्निंग हो गई है, सुबह हो रहे है, सुबह के अभी हो रहे है 5:31, और आखिरकार आज हम उठ ही गए भाई। पहले तो भाई कल ही प्लान कर रहा था मैं रनिंग करने का, लेकिन कल जो है मैं फिर से उठ नहीं पाया था, फोन का अलार्म ही नहीं सुना मुझे। आज मैंने 5 बजे का अलार्म लगाया था, तो उठ गया मैं 5 बजे, और हर्षित का वेट कर रहे हैं अभी, हर्षित आता तो रनिंग करना स्टार्ट करते फिर आज से। तो भाई सुबह भी हो चुकी है अभी थोड़ी देर में, थोड़ा टाइम लगा बस, और रोशनी भी आ गई है, कल मैं नहीं आया था, आज लगता ये नहीं आएगा, देखते थोड़ा वेट करते हैं, नहीं आया तो फिर हम कर लेंगे रनिंग के लिए। तो भाई अब हर्षित तो शायद से आएगा नहीं, 6 बजने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि भाई हम ही रनिंग स्टार्ट करते हैं तब तक, ठीक है, हम एक राउंड मारे थे तब तक क्या पता आ जाए।
वाह है। तो भाई ये अभी हमारा दूसरा चक्कर है और मैंने चेक कर लिया, वो अब तक नहीं खड़ा वहां मेरे एंट्री पे, नहीं आएगा लगता, वो धोखा दे दिया उसने हमें। तो भाई चार चक्कर काट लिए पार्क के। तो भाई पता ही था नहीं आना उसने, ऐसे होता है, कल मैं नहीं आया, आज ये नहीं आया। चलो फिर भाई घर चलते वापस, 6:30 हो गए हैं। इतने महीनों बाद रनिंग करके मजा आ गया, महीनों बाद पता नहीं कितने टाइम बाद मैंने रनिंग करी आज। ये कर रही है, ये कर रही है, अरे गिर से का तेरा डॉगी उठा ले उसे। और भाई हम बना रहे थे अभी चाय, यहाँ पे चाय बन रही है चाय, और ये देखो इसने डॉगी का क्या हाल बना दिया। अरे देख छोड़ से छोड़, चल उछल जंप, छोड़ दे बेचारे को। अरे अरे हमारी चाय उबल रही है। ओहो 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 ये क्या हो गया। अभी हम जा रहे हैं मार्केट, तो हमने सोचा डेज़ी को भी घुमा लाते आज गाड़ी में। ये खड़ी हुई हमारी गाड़ी, क्या चमक रही है, लगता साफ करी अपने आज। ओले ओले ओले, वो कैसे बैठ गई सबसे पहले, अरे ऊपर नहीं चढ़ना, सेट ले सेट। हम गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं, डेजी सेट, चलो गाड़ी लेके चलते हैं भाई घर के पास। अभी भाई हम आया हुआ था डेज़ी को घुमाने, तो फिर चलो इस वीडियो को जो है हम यहीं पे खत्म कर देते हैं। तो यही ऐसी छोटी मोटी वीडियो सब डालता रहूंगा मैं, ठीक है, जब तक हम कहीं अगली ट्रिप पे नहीं जाते। और चलो फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको मेरी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।